गरुड़ प्राण के धर्म कांड प्रेतकल्प ओम श्री परमात्मे नमा वैकुंठ लोक का वर्णन मरण काल में तथा मरण के अनंतर जीव के कल्याण के लिए विहित विभिन्न कर्तव्यों के बारे में गरुड़ जी के द्वारा किए गए प्रश्न प्रेतकल्प का उपक्रम श्री गणेश जी को नमस्कार है ओमकार से युक्त भगवान वासुदेव हरि को प्रणाम है नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोत्तम देवीम सरस्ती तथो जयम उदीरेत अर्थात भगवान श्री नारायण नरोत्तम नर एवं भगवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए जिन भगवान का धर्म ही मूल है वेद जिनका स्कंद है प्राण रूपी शाखा से जो समृद्ध है यज्ञ जिनके पुष्प हैं मोक्ष जिनका फल है ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल वृक्ष की जय हो देव क्षेत्र शरण में शुनक आदि श्रेष्ठ मुनियों ने सुखपूरक विराजमान श्री सूत जी महाराज से कहा हे सूत जी आप श्री वेद जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं अतः आप हम सभी के संदेह का निवारण कीजिए कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई जोंक तिनके से तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ती है उसी प्रकार शीरधारी जीव एक शीर के बाद दूसरे शीर का आश्रय ग्रहण करता है दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी मृत्यु के पश्चात यमराज की यात्राओं का भोग करता है तरह उसको दूसरे शीर की प्राप्ति होती है इन दोनों में क्या सत्य है ये हमें बताने की कृपा कीजिए तो सूर्य ने कहा है महाभाग आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है आप लोगों का संदेह हो यह असंभव है आप लोगों ने तो हित से प्रेरित होकर ही ऐसा प्रश्न किया है, है कृष्ण और गरुड़ के बीच हुए संवाद के द्वारा दूर करूंगा सर्वप्रथम मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भाव सागर को एक शुद्र नदी की भांति यासी पार कर जाते हैं हे मुनियो एक बार विंता पुत्र गरुड़ के हृदय में इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को देखने की इच्छा हुई हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोगों का भ्रमण किया पाताल, पृथ्वी लोक तथा लोक का भ्रमण करते हुए वे लोक के दुख से अत्यंत दुखित एवं अशांतित होकर पुनः लोक वापस आ गए बैकुंठ लोक में न रजोगुन की प्रवृत्ति है न तमोगुण की ही प्रवृत्ति है मृत्यु लोक के समान रजोगुण तथा तमोगुण से मिश्रित सत्य गुण की भी प्रवृत्ति वहां नहीं है वहाँ केवल शुद्ध सत्य गुण ही अवस्थित रहता है वहाँ माया भी नहीं है वहाँ किसी का विनाश नहीं होता वहाँ राग द्वेष आदि षड विकार भी नहीं है वहाँ देव और असुर वर्ग द्वारा पूजित श्याम की सुंदर कांति से शोभित राजीव लोचन भगवान विष्णु के पार्षद विराजमान रहते हैं, जिनके शीर पीतवसन और मनोहारी आभूषणों से भूषित हैं और मणियुक्त स्वर्ण के अलंकारों से शोभित हैं। भगवान जी के वे सभी पार्षद चार चार भुजाओं से युक्त हैं। उनके कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट है उनका वक् स्थल सुंदर पुष्पों की माला से शोभित है मन को मोहित करने वाली अपसाण से युक्त महात्माओं के चमकते हुए विमानों की पंक्ति की कांति से वे सभी सदा भास्वरित होते रहते हैं वह नाना प्रकार के वैभवों से समन्वित लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि के चरणों की पूजा करती रहती है गरुड़ जी ने वहां देखा कि श्री हरि झूले पर विराजमान हैं। सखियों द्वारा स्तुत्य लक्ष्मी जी झूले में स्थित भगवान जी की स्तुति कर रही हैं। अपने लाल लाल बड़े बड़े नेत्रों से युक्त प्रसन्न मुख देवों के अधिपति श्रीपति जगतपति और यज्ञपति भगवान श्री हरि अपने नंद सुनंद आदि प्रधान पार्षदों को देख रहे हैं उनके सिर पर मुकट कानों में कुंडल और वक्स्थल श्री से शोभित था वे पिताम्बर से विभूषित थे उनकी चार भुजाएं थी प्रसन्न मुद्रा में हंसता हुआ उनका मुख था बहुमूल्य आसन पर विराजमान थे हरि उस समय अपनी अन्याय शक्तियों से आवृत थे प्रकृति पुरुष महत अहंकार पंच कर्म पांच ज्ञान इंद्रियां मन पंच महाभूत तथा तन मात्राओं से निर्मित शरीर वाले अपने ही स्वरूप में रमन करते हुए उन भगवान हरि का दर्शन करने से विंता सत गरुड़ का अंतकरण आत्मविभोर हो उठा उनका शीर रोमांचित हो गया उनके नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी आनंद मग्न होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया प्रणाम करते हुए अपने वाहन गरुड़ को देखकर भगवान विष्णु ने कहा है पक्षीन आपने इतने दिनों में इस जगत की किस भूमि का प्रविहन किया है तो गरुड़ ने कहा भगवान आपकी कृपा से मैंने समस्त लोकी का परिभ्रमण किया है उसमें स्थित जगत के सभी स्थावर और जंगम प्राणियों को भी देखा हे प्रभु यम, यम लोक यमलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक में सत्य लोक तक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है सभी लोगों की अपेक्षा भूरलोक प्राणियों से अधिक परिपूर्ण है सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभ आश्रय है अतः सुकृतियों के लिए ऐसा लोक ना तो अभी तक बना है और ना भविष्य में बनेगा देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा में गीत गाते हुए कहते हैं कि जो लोग पित्र भारत की भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य हैं। देवता लोग भी स्वर्ग एवं अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं हे प्रभु आप ये बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है मरे हुए प्राणी के नीचे लोग कुछ लिए बिछा देते हैं उनके दोनों पैर दक्षिण की ओर क्यों कर दिए जाते हैं मरने के समय मनुष्य के आगे पुत्र पोत्र आदि क्यों खड़े रहते हैं हे केशव मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान एवं गौदान लिए दिया जाता है बंधु बांधव मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्यों क्षमा याचना करते हैं किस से प्रेरित होकर लोग मृत्यु काल में तिल लोहा स्वर्ण कपास नमक सप्त धान्य भूमि और गौ का दान देते हैं प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहां चला जाता है उस समय वह अति शरीर अर्थात निराधार रूप में आत्मा को वहन करने वाले शरीर को कैसे प्राप्त करता है अग्नि देने वाले पुत्र पुत्र उन्हें कंधे पर क्यों ले जाते हैं शाम में घृत का लेप क्यों किया जाता है में एक आहूति देने की परंपरा कहाँ से चली है शव को भूमि स्पर्श किस लिए करवाया जाता है स्त्रियां स्मरे व्यक्ति के लिए क्यों विलाप करती हैं? शव के उत्तर दिशा में यम सूक्त का पाठ क्यों किया जाता है मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है उसमें सूर्य बिंब निरीक्षण पत्थर पर स्थापित या नीम की पत्तियों का करने का करने विधान क्यों है उस समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं शव का दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए मरे हुए व्यक्ति के पुत्र दस दिन के पूर्व किस लिए पिंडों का दान देते हैं चबूतरे वेदी पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है रस्सी से बंधे हुए तीन कास्ट के ऊपर रात्रि में गांव के चुराहे पर एकांत में वर्ष पर्यंत प्रतिदिन दीपक क्यों दिया जाता है शव का दाह संस्कार तथा अन्य लोगों के साथ जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है हे भगवान मृत्यु के बाद प्राणी अति क्षीर में चला जाता है उसके लिए नौ पिंड देने चाहिए उसका क्या प्रयोजन है किस विधान से पितरों को पिंड प्रदान करना चाहिए और उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उसका आवाहन किस कैसे किया जाए हे देव यदि ये सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में पिंडदान क्यों किया जाता है पूर्व किए गए पिंडदान के बाद पुनः पिंडदान या अन्य क्रियाओं को करने की क्या आवश्यकता है दास संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्यों है दूसरे दिन और चौथे दिन साग्निक द्विज के स्नान का विधान क्यों है दसवें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान क्यों किया जाता है दसवें दिन तेल तथा उपटन का प्रयोग क्यों किया जाता है उस तेल और उपटन का प्रयोग भी एक विशाल जलाशय के तट पर होना अपेक्षित है इसका क्या कारण है दसवें दिन पिंडदान क्यों करना चाहिए एकादशा के दिन वृक्ष उत्सर्ग आदि के सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है पात्र पादका छत्र वस्त्र तथा अंगूठी आदि वस्तुओं का दान क्यों दिया जाता है तेरहवें दिन पद दान क्यों दिया जाता है वर्ष पर्यंत सोलह श्राद्ध क्यों किए जाते हैं तथा तो तो तीन सौ साठ सानोदक घट क्यों दिए जाते हैं प्रे तृप्ति के लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए एक घट का दान क्यों करना चाहिए हे प्रभु मनुष्य अनित्य है और समय आने पर ही वह मरता है किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता हूं जिससे जीव निकल जाता है प्राणी के शीर में स्थित किस छिद्र से पृथ्वी जल मन तेज वायु और आकाश निकल जाते हैं हे जनार्दन इसी शरीर में स्थित जो पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां पांच वायु हैं वे कहां से निकल जाते हैं लोभ, काम और अहंकार रूपी जो पांच चोर शरीर में छिपे रहते हैं वे कहां से निकल जाते हैं हे माधव प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी कर्म करता है नाना प्रकार के दान देता है वे सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं वर्ष के समाप्त हो जाने पर भी मरे हुए प्राणी के लिए स्पिंडीकरण क्यों होता है उस स्पिंडन प्रेत पिंड का मिलन किसके साथ किस विधि से होना चाहिए इसे आप बताने की कृपा कीजिए हे हरे मूर्छा से अथवा पतन से जिसकी मृत्यु होती है उसके लिए क्या होना चाहिए जो पतित मनुष्य जलाए गए अथवा नहीं जलाए गए तथा तो इस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी हैं उनके मरने पर अंत में क्या होना चाहिए जो मनुष्य पापी दुराचारी अथवा हत बुद्धि हैं मरने के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त करते हैं जो पुरुष आत्मघाती ब्रह्म हत्यारा सर की चोरी करने वाला मित्र आदि के साथ विश्वासघात करने वाला उस महापात क्या होता है हे माधव जो शूद्र कपिला गौ का दूध पीता है अथा प्रणव महामंत्र का जप करता है या ब्रह्मसूत्र अर्थात यज्ञोपीत को धारण करता है तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है हे संसार के स्वामी जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मणी की पत्नी उसको पत्नी बना लेता है उसे उस पापी से मैं भी डरता आप बताएं कि उस पापी की क्या दिशा होती है साथ ही उस पाप कर्म के फल को बताने की भी कृपा करें हे विश्वात्मन आप मेरी दूसरी बात पर भी ध्यान दें मैं कौतूहलवश वेगपूर्वक लोगों को देखता हुआ संपूर्ण जगत में जा चुका हूं उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा है कि वे सभी दुख से डूब रहे हैं उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतकरण पीड़ा से भर गया है स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है पृथ्वी लोक में मृत्यु और रोग आदि से तथा अभिष्ट वस्तुओं के वियोग से लोग दुखित हैं पताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है हे आपके वैष्णव पद वैकुंठ के अतिरिक्त नेत्र किसी भी लोक में ऐसी निर्भयता नहीं दिखाई देती काल के वशीभूत इस जगत की स्थिति स्वप्न की माया के समान असत्य है उसमें भी इस भारत वर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुखों को भोग रहे हैं मैंने वहां देखा कि उन देश के मनुष्य राग द्वेष तथा मोह आदि में अकंठ डूबे हुए हैं उस देश में कुछ लोग अंधे हैं कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं कुछ वाणी वाले हैं कुछ लूले हैं कुछ लंगड़े हैं कुछ काने हैं कुछ बहरे हैं कुछ गूंगे हैं कुछ कोड़ी हैं कुछ अधिक रोम वाले हैं कुछ नाना रोग से घिरे हैं और कुछ आकाश कुसुम की तरह नितान्त मिथ्याभिमान से चोर हैं उनके विचित्र दोषों को देखकर तथा उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न ये मृत्यु क्या है इस भारतवर्ष में ये कैसी विचित्रता है ऋषियों से मैंने पहले ही इस विषय में सामान्यता सुन रखा है कि जिसकी विधि पूर्वक वार्षिक क्रियाएं नहीं होती हैं उनकी दुर्गति होती है फिर भी हे प्रभु इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं हे उपेंद्र मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए कैसा मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने के बीच कौन सी विधि अपेक्षित है चिता में शव को जलाने की क्या विधि है तत्पश्चात अथवा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है यमलोक को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए दुर्बुद्धि अर्थात दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्राश्चित क्या है पंचक आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए हे देव आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो आप मेरे संपूर्ण ब्रह्म को भी नष्ट करने में समर्थ हैं मैंने आपसे ये सब लोक मंगल की कामना से पूछा है मुझे बताने की कृपा करें